अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो आप बच्चे देख रहे हैं मासूम बच्चे, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। आप अभी इनकी हरकत देखिएगा, जैसे ही कोई चांद गाड़ी वाला आता है तो उसके साथ किस तरह का ये सलूक होता है आप देख ये देख रहे हैं। ये देखें किस तरह जो है वो चांद गाड़ी को घुमा रहे हैं, ये इंतज़ार में खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई चांद गाड़ी वाला आता है तो उसको उसके ऊपर वजन डालते हैं पीछे से और घुमाते हैं। फिर ऐसा होता है कि जो पुलिस है, पुलिस को ये चांद गाड़ी वाले शिकायत भी करते हैं, उसके बावजूद जो है वो पुलिस इन बच्चों के सामने बेबस है। ये बच्चे ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो इनमें बड़े भी शामिल हैं और ये बड़ों के ही इमा पर ये हरकतें करते हैं। अभी आप देखिए ये चांद गाड़ी वाला जो है अब रुक गया है और अब पुलिस जो है वो पुलिस ने एक और जो है वो चांद गाड़ी आ गई और उसके पीछे देखें किस तरह नहीं उठाई गई इसे ये वाली। नाज़रीन ये गुजरांवाला का जो है डिंगा फाटक है, इसे ब्योड़ा फाटक कहते हैं, डिंगा फाटक के नाम से भी मशहूर है। ये खुसूसन हर साल यहाँ पर ये हरकत होती हैं और कोई रोकने वाला या पिछले साल कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी लेकिन उसका क्योंकि ज़मानतें हो जाती हैं कोई मसला नहीं होता। और खुसूसन कई लोग जो हैं वो ये तमाशा जो है तमाशबीन के लिए देखने के लिए आते हैं रात को। ये आप तेरा मुकम्मल वीडियो देखें, अभी आगे मज़ीद जो है वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। अच्छा, और आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि जैसे ही कोई चांद गाड़ी वाला गुस्सा करता है ना इनके अमल पे, बस उसकी फिर शामिल और शामत आ जाती है। और अब देखें ये गुस्सा कर रहे हैं, इसके साथ अब बहुत बुरा सलूक करेंगे मज़ीद इस तरह का। अच्छा, ये सब बच्चे जो हैं ये एक हैं, खुद ही जो है वो पीछे पहले वज़न डालते हैं घुमाते हैं फिर खुद ही छुड़ाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं पाए कोई मसला नहीं, चलो चलो इस तरह की जो है ना वो ये देखें एक और चांद गाड़ी। अच्छा, जो चांद गाड़ी में बैठा होता है वो बेबस होता है बेचारा, अकेला बैठा होता है या कोई और भी हो तो वो उसका साथ नहीं देता। तो बच्चे अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करते हैं। अच्छा, वो चांद गाड़ी वाला जिसे पहले यहाँ पे रोका था वो पुलिस के पास चला गया है शिकायत लगाने के लिए, लेकिन देखते हैं पुलिस जो है वो क्या करती है, उस रिएक्शन आता है पुलिस का, वो पुलिस को बता के आ गया। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ये देखें ये फिर इसने इसको तंग किया है, इसने ब्रेक लगा लिया है। अब जो है इसके साथ जो होने वाला है ये लगता है पुलिस को कॉल करने लगे, देखते हैं करीब जाके क्या मामला है। तो जी नाज़रीन, बच्चे बाद नहीं आ रहे थे तो अब ट्रैफिक पुलिस का जो जवान है वो छड़ी लेकर आ रहा है इस तरफ। तो खैर बच्चे भाग जाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नमूदार हो जाएंगे और फिर वही हरकत करेंगे।